हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बेबी स्वेटर जो कि हमने न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाया है जिन्होंने ऑर्डर दिया है उन्होंने बोला कि सिक्स मंथ के बेबी के लिए बनाना वैसे न्यू बॉर्न बेबी के लिए ही है लेकिन सिक्स मंथ के बेबी को भी ये फिट आना चाहिए तो थोड़ा सा हमने बड़ा बनाया है अगर आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना है तो सेम फंदे लेने हैं आपको यहाँ पे हमने जाली बनाई है उन्नीस आपको बनानी है पंद्रह जालियां न्यू बॉर्न बेबी के लिए ठीक है पंद्रह जालियां बनानी है उसके बाद डिवाइड कर लेना है डिवाइड करने का जो इसमें तरीका है वो सिंपल तरीका है जो जाली इस जाली से इस जाली तक होती है वो बाजू आ जाता है इधर भी इस बीच वाली जाली का बाजू आ जाता है फ्रंट में दोनों फ्रंट के पार्ट आ जाते हैं और बैक में हमारा बैक पार्ट आ जाता है ठीक है सिंपल साइज का मेथड है यहां से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने इसको बनाया है और यहाँ पे आपको चार जाली कम कर देनी है 19 से 20 जालियां हैं तो आपको चार जालियां मतलब आपको सिर्फ 15 जालियां ही बनानी है अगर आपको बिल्कुल फिटिंग का न्यू बॉन, न्यू बॉर्न बेबी के लिए फिटिंग का बनाना है तो नहीं तो आप इतना बना लीजिए क्योंकि एकदम से न्यू बॉर्न बेबी एकदम से बढ़ता है तो थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए तो उस हिसाब से ये एकदम फिट है इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ आपको अगर आपको बनाना हो न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना हो एकदम फिट तो आपको क्या करना है ये पूरा ग्यारह बारह इंच का है देख लीजिए बारह इंच का है तो आपको क्या करना है यहां से यहां तक आपको साढ़े चार इंच साढ़े चार इंच का यहां तक लेना है मतलब चार जाली कम कर लेनी है उसके बाद आपको पांच इंच और बनाना है ठीक है इतना ही आप बनाएंगे वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए एकदम फिट आएगा और बाजू में आपके जितने फंदे होंगे वही आएंगे आपके और बाजू की लंबाई ये भी न्यू बॉर्न बेबी के लिए थोड़ी सी लंबी हो रही है न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये है आपका लगभग साढ़े छः इंच तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए आप साढ़े चार से पांच इंच करेंगे बाजू ठीक है तो ये जैसे कि मैंने बताया वैसे तो बनाई ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए है लेकिन उन्होंने थोड़ा सा लंबा मतलब थोड़ा सा एक साइज बड़ा बनाने के लिए बोला तो ये सिक्स मंथ के बेबी के लिए बनेगी और जो इसका पैटर्न है वो देखिए आप पैटर्न एकदम स्ट्रेचेबल है ये देखिए एकदम फिटिंग में आएगी बच्चे के ठीक है आपको ये लग रहा होगा बाजू भी लग रहे होंगे आपको कि काफी पतले देखिए बाजू कितने चौड़े हैं इसके तो इस स्वेटर का एक थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गई है कि ये जो हमने बनाया था आगे को वीडियो स्किप हो चुका है मतलब डिलेट हो चुका है तो इसमें आपको यहां पे जो नेक हमने बनाया यहां से हमने फंदे लिए हैं यहां से यहां तक की वीडियो मिल जाएगी बाकी सिंपल है आप वीडियो देख लीजिएगा यहां से यहां तक की वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद आपको पैटर्न की वीडियो पार्ट वन में दिया हुआ है पैटर्न सीख लेना है और जितने फंदे हैं उतने फंदों में पैटर्न देते हुए बाजू में आपको थोड़ी सी यहाँ पे घटाई कर लेनी है यहाँ पे हमने की नहीं है वैसे क्योंकि बाजू ना इसका ऐसे स्टिचेबल था आपको भी अगर यही पैटर्न देना है तो आप ना ही घटाएं तो ही अच्छा है यहाँ पे हमने घटाए हैं यहाँ पे हमने ये 45 फंदे रखे हैं ठीक है, है? बाजू में और बाकी जो इतने यहाँ पे फंदे थे वो हमने लगातार ही बुने हैं फोर्टी से फोर्टी आप फंदे बाजू में रख सकते हैं बाकी आपका आगे को क्या करना है ये ये दोनों फ्रंट और बैक का एक साथ लेकर के बनाने हैं आप और वीडियो भी देख लीजिएगा नीचे लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से भी देख लीजिएगा मेथड सारे जो अप टू डाउन स्वेटर बनते हैं मेथड सारा एक जैसा होता है सिर्फ पैटर्न इसमें थोड़ा अलग हो जाता है ठीक है तो आप उसको देख सकते हैं बाकी आपको जो यहां पे नेक है मतलब जो गला है गले से आर्म होल तक आपको वीडियो पूरी मिल जाएगी वहां से एकदम सिंपल है आपको पैटर्न की वीडियो भी पार्ट नंबर वन में दिया है पैटर्न देख लीजिए बाकी पैटर्न आपको सिंपल तरीके से देना है ठीक है तो ये देखिए इसके बटन में खोल के दिखा देती हूँ आपको ये देखिए ऐसे समझ में आ जाएगा बाकी वीडियो आगे को आपको मिल जाएगी ठीक है पार्ट टू आप देख रहे हैं पार्ट वन में आप इसका पैटर्न जरूर देख लीजिएगा पैटर्न बहुत खूबसूरत है इसका स्ट्रेचेबल है आप इसको कार्डिगन वगैरह में भी दे सकते ये देखिए बाकी हमको कैसा बनाना है फ्रंट, के पार, फ्रंट पार्ट के फंदे लेने बैक पार्ट के फंदे लेने और फ्रंट पार्ट के फंदे लेने और ऊपर मतलब नीचे को बना लेना है इसको पूरा बना लेना है बाकी ये आपको यहाँ पे बॉर्डर मिल जाएगा और ये स्टिचेबल है ये काफी खिंचता है ये वाला पैटर्न तो इस तरह से आपको बनाना है यहां तक आर्म होल तक मैंने बता दिया है बाकी आपको बाजू बना करके यहां पे फंदे कम करके बॉर्डर बना लेना है और दोनों बाजू पहले एक बाजू बनाएंगे उसके बाद दूसरा बाजू बनाएंगे बाद में आपको सारे फंदे एक ही रो में लेकर एक ही नीडल में लेकर के सारा एक साथ बना लेना है ठीक है आ गया होगा समझ में और भी आपको वीडियो मिल जाएंगे चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी साथ में ही आपको ये बता दिखा देती हूं आपकी आपको सॉरी ये देखिए ये कैप हमने बनाई है टैप में सेम फंदे दिए हैं बस पैटर्न अलग दिया हुआ है जिसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सेम आपको उसी तरीके से बनानी है लेकिन जो उसमें हमने पैटर्न दिया है उसको छोड़ करके आपको इसी का पैटर्न देना होगा तो ये सेम बन जाएगा ठीक है इसी तरह से ये देखिए सिंपल से सॉक्स हमने बनाए हैं बूटी थोड़ा सा बूट्स टाइप के हो गए हैं तो ये बनाए हैं तो इसका तो फुल वीडियो मैं नहीं दे पाऊंगी सॉरी उसके लिए लेकिन इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी और इसके साथ आपको कैप मिलेगी कैप की वीडियो नहीं दे पाऊंगी मैं लेकिन सेम तरीके का कैप जो बनाया है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं आपको सिर्फ क्या करना है सेम तरीके से बनाना है सिर्फ आपको पैटर्न बदल देना है जो उस कैप का पैटर्न है वो अलग है यहाँ पे और जो इस कैप का पैटर्न है वो स्वेटर की तरह है ठीक है तो इसके बूट्स भी हमने बनाए हैं यहाँ पे सिंपल तरीके से बनाए हैं इसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी अगर आपको इस तरह से बूट बनाने होंगे तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी आप वहां से बना सकते हैं तो इस तरह का एक सेट आप आराम से बना सकते हैं ठीक है तो चलिए इसको आगे को शुरू करते हैं जो ये ऊन है हमारी ओसवाल की है या इसमें टैग लगा था तो मैंने ये वाला दिखा दिया वैसे बस कलर ही चेंज है लेकिन कंपनी दोनों की एक ही है तो ये टैग देख लीजिए माइक्रो करके ये ओसवाल की ऊन है ठीक है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे शुरू में तो हमने फंदे ले लिए हैं और ये देखिए ऊन पतली है तो इसमें आएंगे हमारे ग्यारह नंबर के नीडल ग्यारह नंबर के नीडल से मैं इसमें बॉर्डर बना लूँगी और फंदे बता देती हूँ इसमें सिक्सटी सिक्स फंदे मैंने ले लिए हैं ठीक है छियासठ फंदे सिक्सटी सिक्स फंदे लेने के बाद इसको हम बनाएंगे उल्टा मतलब पर्ल में बनाएंगे सीधी तरफ भी पर्ल में बनाएंगे उल्टी तरफ भी पर्ल में बनाएंगे ठीक है उसके बाद चार या पांच रो बना लेंगे उसके बाद हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे पांच या छः फंदे यहाँ पे छः फंदे भी बढ़ा सकते हैं आप पाँच फंदे भी बढ़ा सकते हैं मैं बढ़ा लूँगी इसमें पाँच फंदे पाँच फंदे बीच में बढ़ाऊँगी जैसे आपको वीडियो देखने को मिलेगी ठीक है और आपको अगर इससे थोड़ा सा बड़ा साइज बनाना है तो आपको दस फंदे बढ़ा लेने हैं पहले ही ठीक है तो आपको सेवेंटी सिक्स फंदे ले लेने हैं अगर इससे एक बड़ा साइज़ बनाना है और एक छोटा साइज़ बनाना है तो आपको फंदे सेम लेने हैं और आपको सिर्फ आर्म होल तक जो लंबाई है वो कम कर लेनी है ठीक है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो इस तरह से इसको पर्ल में ही बनाएंगे तीन पहली दूसरी तीसरी चौथी चार रो कंप्लीट कर लेते हैं और दोनों तरफ से बैक से भी फ्रंट से भी उल्टी ही आएगी ऐसे पर्ल में ही आएगी और ग्यारह नंबर की नीडल मैंने यूज़ की है तो चार रो बना लेते हैं इसकी पाँचवीं रो में पाँच फंदे हम बढ़ा लेंगे ठीक है तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं तो देखिए जहाँ पे हमारा लास्ट रो खत्म होगी लास्ट फंदा हमको इस तरह से धागा पीछे करके सीधा बना लेना है ठीक है तो यहाँ पे चार रो कंप्लीट हो गई आ गए हम पांचवी रो में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी बटन होल और बटन होल के साथ पांच फंदे बढ़ाएंगे हम तो देखिए बटन होल बनाएंगे बटन पट्टी हमारे सात फंदों की होगी तो एक दो तीन तीन फंदे हमने बना लिए उल्टे उसके बाद ये चार और पांच दो फंदों को एक ही साथ बना लेंगे दो का एक करेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे ऐसे और ये बना लेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात सात फंदे हो गए बटन पट्टी आ गई है अब हमको यहाँ से सात फंदे छोड़ देने और बीच में बढ़ा लेने हमको पांच फंदे जैसे बढ़ाएंगे हम एक दो तीन चार पाँच ऐसे ठीक है तो एक फंदा बढ़ा के दिखा देती हूँ मैं आपको कैसे बढ़ाते हैं एक दो तीन चार चार या पांच फंदे बनाने के बाद देखिए फंदे बनाने का तरीका कैसा है इस तरह से दो तरीके हैं एक तो ये देखिए ये वाला फंदा बना दिया इसको छोड़ेंगे तो इसके नीचे वाला जो लूप होता है वो उठा लेंगे और उसको बना लेंगे तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया अब मैं दूसरा तरीका आपको बता देती हूँ फंदा बढ़ाने का दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे ये कुछ फंदे बना बढ़ा करके एक फंदा बढ़ा दिया हमने ये देखिए इस तरह से धागे को ऐसे ले लेंगे ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं। दो फंदे बढ़ गए हमारे यहाँ पे ये तीसरा फंदा बढ़ा लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके ये देखिए तीसरा फंदा बढ़ा दिया दो फंदे और बढ़ा लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे रो को तो देखिए यहाँ पे हमने दस लाइनें बना मतलब दस रो बना दिए पांच लाइनें ठीक है एक दो तीन चार पाँच अब आगे हम सीधी तरफ अब करेंगे हम डिवाइड फंदों को इसमें टोटल फंदे हमारे सेवेंटी वन हो गए हैं पहले हमारे सिक्सटी सिक्स से प्लस कर दिए थे हमने रो में पांच बढ़ा दिए थे तो अब हमारे सेवेंटी वन फंदे हो गए ठीक है ये है हमारा बैक साइड इस तरह से ठीक है और यहाँ पे हम जाली देंगे ये हमारा बाजू आ गया यहाँ पे एक जाली देंगे ये हमारा फ्रंट आ गया और ये हमारी बटन पट्टी आ गई एक साइड की ठीक है इसी तरह से दूसरे साइड में ये जाली आएगी ये बाजू आएगा और ये फ्रंट साइड आएगा और ये बटन पट्टी आएगी अब इसमें हमको सेवेंटी वन फंदे डिवाइड करने हैं तो क्या करेंगे सबसे पहले तो हम सात और सात सेवन सेवन फंदे हम बॉर्डर में रख लेंगे उसके बाद एक 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 चार फंदे हमारे जाले के हो गए अब बचे जितने फंदे उनमें से क्या करेंगे नाइन फंदे रखेंगे नाइन फंदे रखेंगे नाइन के आसपास ही यहाँ पे भी रखेंगे हम एट फंदे रख लेंगे ठीक है और जब अब बचे हैं नाइनटीन फंदे बैक साइड में हमेशा फ्रंट साइड के मुकाबले डबल होने चाहिए ठीक है जैसे नाइन है तो नाइन टू जा एटीन होता है तो एट्टीन के आसपास ही हैं और इसको एट कर लेते हैं सॉरी फ्रंट वाले को एट कर लेते हैं बाजू वाले को हम नाइन कर लेते हैं क्योंकि फ्रंट वालों से बाजू वाला ज़्यादा होना चाहिए ठीक है एट और नाइन एट और नाइन ठीक है एट नाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है कोई बात नहीं समझ में आ गया होगा आपके बॉर्डर में सात रखने हैं बॉर्डर के बाद फ्रंट हिस्से में हमको आठ फंदे रखने एक जाली देनी है फिर नौ फंदे हमको बाजू के बनाने फिर एक जाली देनी है फिर उन्नीस फंदे नाइनटीन फंदे बैक के बनाने एक जाली देनी है फिर नाइन फंदे नौ फंदे हमको बाजू के बनाने फिर जाली देनी है फिर आठ फंदे, फंदे हमको फ्रंट के देने ठीक है आ गया समझ में ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया फंदा उसके लिए सॉरी और जब भी हम बैक साइड के फंदे रखेंगे तो फ्रंट साइड में देखिए कितने फंदे हैं पंद्रह फंदे हैं अगर हम इसके भी फंदे लगाए तो टोटल फिफ्टीन फंदे हैं तो लगभग इसके डबल प्लस होने चाहिए जैसे एट के डबल होते हैं सिक्सटीन तो सिक्सटीन के डबल सिक्सटीन में प्लस करेंगे थ्री नाइनटीन हो गए तो जो ये फ्रंट पार्ट है हमारा इसके डबल तो होने चाहिए उससे दो तीन ज्यादा भी होने चाहिए ठीक है तो ये हो गया और बाजू के फंदे या तो फ्रंट और बाजू के बराबर होने चाहिए नहीं तो बाजू के एक दो फंदे ज़्यादा ही होने चाहिए फ्रंट से ठीक है तो आगे आपके समझ में सात सात फंदों का हमारा बटन पट्टी का बॉर्डर आएगा आठ फंदे फिर देंगे फिर जाली देंगे तो चलिए इसी तरह से हम बना लेते हैं इसको एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात ठीक है सात फंदे हमारे बॉर्डर ओके हो गए धागा पीछे करेंगे कितने फंदे बना ले हमको बनाने आठ एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ आठ फंदे बना ले अब एक फंदा ये वाला जाली का आएगा धागा आगे करेंगे जाली दे देंगे ठीक है एक जाली और आएगी लेकिन ये इस जाली इसी की जाली होगी इसके लिए फंदा नहीं गिनेंगे बल्कि अब बाजू के फंदे गिनेंगे नौ साथ साथ में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ ठीक है अब नौ के बाद एक जाली देंगे धागा आगे करेंगे एक फंदे की जाली हो गई फिर से धागा आगे करेंगे लेकिन फंदा हम बैक साइड का गिनेंगे नाइनटीन फंदे उन्नीस फंदे बना लेने हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और ये उन्नीस देखिए उन्नीस फंदे बना लिए हैं फिर धागा आगे करके एक जाली देंगे ठीक है धागा आगे करेंगे लेकिन जाली नहीं गिनेंगे बल्कि बाजू के नौ फंदे बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ ठीक है फिर धागा आगे करेंगे एक जाली दे देंगे अब हमारे फ्रंट के फंदे आ जाएंगे आठ धगा आगे करेंगे और आठ फंदे बना लेंगे सीधे एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ अब देखते हैं फंदे कितने बज गए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात फंदे बज गए जिनको हम बटन पट्टी का बना लेंगे लास्ट फंदा हमको सीधा बना लें ठीक है तो ये इस तरह से डिवाइड कर लेंगे अब इसको मैं आर्म होल तक बना करके दिखाती हूँ सिंपल बनाना है बस जाली के ऊपर जाली देना आपको हर में हर हिस्से में आपके एक एक दो दो फंदे बढ़ जाएंगे जैसे फ्रंट वाले में अभी हमने आठ फंदे बनाए तो दूसरी रो में हमारे नौ बन जाएंगे तीसरी रो में दस बन जाएंगे चौथी रो में ग्यारह बन जाएंगे फ्रंट के दोनों में ठीक है बाजू में हमने नौ बनाए थे ना एक जाली इधर से एक जाली इधर से आई दो बढ़ गए तो ग्यारह हो जाएंगे उसके बाद तेरह हो जाएंगे फिर पंद्रह हो जाएंगे ऐसे आएगा ठीक है बैक साइड में भी हमारी दोनों साइड से जाली आती है तो दो दो फंदे बढ़ेंगे दो दो फंदों का मतलब है इक्कीस फंदे हो जाएंगे अब की बात जब आएंगे फिर तेईस फंदे हो जाएंगे फिर पच्चीस हो जाएंगे फिर सत्ताईस हो जाएंगे इस तरह से दो दो फंदे प्लस होते जाएंगे तो थोड़ा सा बना के बताती हूँ मैं आपको कितनी जाली के बाद हमको डिवाइड करना है ठीक है तो बना लीजिए सिंपल है तो देखिए यहाँ पे हमने 20 जालियाँ बना ली हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और ये बीस बीस जालियाँ बनाने के बाद अब हम इसमें डिवाइड कर लेंगे ये देखिए टोटल इसकी लंबाई पाँच इंच आ रही है तो अब डिवाइड कर लेंगे डिवाइड क्या करना है इसमें जाली की वजह से पहले से ही डिवाइड रहता है ये देखिए जो फ्रंट पार्ट के फंदे हैं उनको तो हमने बना लिया यहाँ से यहाँ तक अब सबसे पहले हम बाजू बना लेंगे अभी तक मैंने 11 ग्यारह नंबर की नीडल ली थी क्योंकि जो आर्म होल से ऊपर का पोर्सन होता है थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए टाइट होना चाहिए मतलब ढीला नहीं होना चाहिए अब हम इसमें पैटर्न भी देंगे साथ में इसमें हम दस नंबर के नीडल भी लगा लेंगे ठीक है तो यहाँ पे निशान लगाने की जरूरत नहीं है जो ये हमारी फली जा रही है ऊपर को ये भी हमारा बाजू में ही आएगा और यहाँ की फली भी हमारी बाजू में ही आएगी जो यहाँ की फली है ठीक है यहाँ से यहाँ तक हम बना लेंगे बाजू का तो बाजू के लिए पैटर्न देख लीजिए पैटर्न इसमें मैं नहीं दूंगी पैटर्न दूसरे ए, पार्ट में दूंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो पैटर्न का पार्ट फर्स्ट आएगा उसके बाद ये स्वेटर आएगी तो उसमें से देख लीजिए और उसके बाद इसमें अप्लाई कीजिए ठीक है तो पैटर्न देख लीजिए आप पैटर्न कैसे देंगे यहाँ पे यहाँ पे हम या तो निशान लगा लेंगे या तो हमारे समझ में तो ऐसे आ जाएगा यहाँ से जाली से उधर को हमको नहीं बनाना है हमको सिर्फ बाजू बनानी है ठीक है तो चलिए पैटर्न देख लीजिए हम धागा आगे करेंगे शुरू के दो फंदे उल्टे बना लेंगे ठीक है फिर हम धागा पीछे करेंगे और साथ में इस तरह से लपेट लेंगे धागे को लपेट लिया पहला फंदा हम इस तरह से पलट लेंगे और दो का एक कर लेंगे ठीक है चार फंदों में ये पैटर्न आता है ये देखिए चार फंदे हो गए ना चार फंदों में ये पैटर्न आता है फिर से हमारा रिपीट पैटर्न आएगा दो फंदे उल्टे धागा पीछे और इस तरह से फिर लपेट लेंगे और पहला फंदा इस तरह से दो का एक करेंगे फिर धागा आगे रिपीट पैटर्न दो फंदे उल्टे इस तरह से लपेट लेंगे पहला फंदा लप, इस तरह से पलट करके दो का एक कर लेंगे ठीक है जब हम पहले जाली दे रहे हैं और दो का एक कर रहे हैं तो हमने फंदे को पलट लिया लेकिन इसके बाद तीसरी रो में जो आएगा उसमें हमको फंदा नहीं पलटना है उसमें सिंपल बनाना है तो हमको चार रो की का ये पैटर्न है चार रो में जो फर्स्ट रो का जो पैटर्न आएगा उसमें ही हमको फंदा पलटना है ठीक है धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे साथ में हम इसको लपेट लेंगे मतलब जाली देंगे और इस फंदे को हम इस तरह से पलट लेंगे ठीक है ये हो गया धागा आगे करेंगे रिपीट पैटर्न दो फंदे उल्टे धागा पीछे करके लपेट लेंगे फंदे को इस तरह से पलट के दो का एक कर लेंगे तो चार 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 जो भी आप फंदे ले रहे हैं उसमें क्या करेंगे चार चार के मल्टीपल में फंदे ले लेंगे प्लस कर लेंगे टू ठीक है ये देखिए दो का एक करेंगे धागा आगे बस इसमें कुछ नहीं करना दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे साथ में लपेट लेंगे क्योंकि यहाँ पे दो का एक कर रहे हैं तो एक जाली भी बननी जरूरी है यहाँ पे लपेटेंगे वो जाली बन जाएगी हमारी फिर से रिपीट पैटर्न दो फंदे उल्टे धागा पीछे और लपेट लेंगे जाली के लिए फंदे को पलट करके फंदे को पलट करके ही बनाइएगा आप अगर ऐसे बिना फंदा पलटे हुए बनाएंगे तो क्लियरटी बिल्कुल भी नहीं आएगी ठीक है ये देखिए धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे और लपेटते हुए पहला फंदा जो है पलट लेंगे दो का एक कर लेंगे फिर दो उल्टे बाजू में तो हमने बिना आ, मल्टीपल में लिए फंदे ऐसे ही बना दिया क्योंकि बाजू का जो है थोड़ा सा सिलने जहाँ पे सिलाई की लाइन आती है वो दिखती नहीं है उतनी लेकिन आप नए प्रोजेक्ट में अगर इस डिज़ाइन को बना रहे हैं तो आपको बराबर फंदे लेने पड़ेंगे ठीक है दो का एक दो उल्टे धागा पीछे देखते हैं बाजू में कितना बैठता है बैठते हैं फंदे दो का एक धागा आगे तो देखिए यहाँ पे तीन उल्टे बैठ रहे हैं तो इन तीनों को ही मैं उल्टा बना दूंगी ये फली वाला फंदा भी बाजू में ही आएगा ठीक है तो इधर से इधर वाले फंदों को आप नहीं बनाएंगे ये बैक पार्ट है ये बाजू है फिर ये फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पे अब सिर्फ बाजू बाजू बनेगी बाजू बनने के बाद हमारा दूसरी बाजू बनेगी ये बाजू जैसे कंप्लीट हो गई है तो वापस हम इधर से इस वाली रो इस वाली नीडल में ये वाले फंदे बनाएंगे बनाते हुए फिर से हम इसी तरह से जैसे यहाँ से यहाँ हमने बाजू बनाया वैसे ही ये बाजू बनाया दोनों बाजू बनाने के बाद फिर हम लास्ट में फ्रंट पार्ट बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट तीनों को जोड़ते हुए पूरा एक साथ ले जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है बाजू अब हम बैक आ जाएंगे यहाँ से और बैक वाली रो में क्या करना है देखिए जो हमारे उल्टे फंदे थे वो सीधे बनेंगे ऐसे ठीक है जो जिनको हमने उल्टा बनाया वो सीधे बनेंगे और जो हमारा दो का एक और ये जाली वाला था फंदा उसको उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे दो सीधे और धागा आगे करेंगे दो उल्टे तो बैक वाली रो हमारी हमेशा अब दो उल्टे दो सीधे में ही आएगी क्योंकि जो उल्टे फंदे हैं वो बैक साइड में सीधे बुने जाएंगे ठीक है तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं तो ये देखिए बैक रो हमने कंप्लीट कर ली आ गए वापस फ्रंट रो में दो रो कंप्लीट हो गए फ्रंट और बैक की अब हमारी तीसरी रो है तीसरी रो में पैटर्न देख लीजिए कैसा आएगा देखिए दो तो हमने पहले जैसे उल्टे बना लेने हैं अब देखिए यहाँ पे हमने दो के बाद जाली बनाई थी ना अब हमको जाली नहीं बनाना धागा पीछे करना है और इन दो फन को देखे जो ये हमने दो का एक किया था वो और ये जाली वाला इन दोनों को हमको इस तरह से दो का एक करना है ये देखे ये दो का एक कर लिया दो का एक करने के बाद अब हम देंगे जाली जो कि धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे उसके बाद दो उल्टे बना लेंगे तो यही हमारा रिपीट पैटर्न है दो उल्टे धागा पीछे अब इस वाली रो में हम फंदे को नहीं पलटेंगे दो का एक करेंगे धागा आगे करेंगे एक बार लपेट लेंगे दो फंदे उल्टे बना लेंगे फिर धागा पीछे करेंगे दो फंदों का एक बना लेंगे धागा आगे करेंगे लपेट लेंगे तो 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 और दो उल्टे बना लेंगे तो आ गया समझ में आपके एक बार जाली यहाँ आएगी एक बार यहाँ आएगी यहाँ पे आएगी एक बार जाली एक बार यहाँ आएगी तो चार रो का ये पैटर्न है ये तीसरी रो में हम देखिए दो का एक करेंगे धागा आगे करेंगे लपेट लेंगे फिर इन दोनों को सिंपल बना लेंगे फिर धागा पीछे करेंगे और ये देखिए कौन से फंदे हैं एक सीधा और एक ये जाली वाला फंदा इन दोनों को दो का एक कर लेंगे दो का एक करने के बाद जाली देंगे ऐसे और दो फंदे उल्टे बना लें फिर धागा पीछे करेंगे दो का एक धागा आगे और लपेट लेंगे जाली के साथ क्योंकि हमने दो का एक किया है तो याद रखिएगा वहाँ पे एक फंदा कम हुआ है तो एक ज़्यादा भी होगा धागा पीछे करेंगे बस वही रिपीट पैटर्न हमको करना है दो फंदों का एक धागा आगे और लपेट लेना है फिर धागा पीछे दो उल्टे बनाने के बाद दो फंदों का एक धागा आगे और लपेट लेना है फिर दो फंदे उल्टे कर लेने बस यही ये, ये रो हमारी इसी तरह से रिपीट होती हुई जाएगी चार फंदे हमारे बार बार रिपीट होंगे चार आ, रो का ये पैटर्न है लेकिन बैक रो तो हमारी सेम आएगी जो उल्टे फंदे वो उल्टे ही बनेंगे जो सीधे हैं वो सीधे ही बनेंगे लेकिन फ्रंट में पहला रो पहले जाली आएगी उसके बाद दो का एक करेंगे और तीसरी रो में पहले दो का एक करेंगे जैसे अभी बना रहे हम उसके बाद जाली आएगी लपेटते हुए देखिए धागा पीछे दो का एक धागा आगे जाली यहां पे हमारे तीन उल्टे हो रहे थे तो तीन उल्टे बना रहे थे वैसे दो उल्टे लास्ट में कोई बात नहीं एडजस्ट हो जाता है तो अब हम क्या करेंगे बैक रो बना लेंगे अब मैं लगा लेती हूँ यहाँ से दस नंबर के निडल तो जो उल्टे फंदे थे उनको बैक साइड में हम सीधे बना लेंगे ये देखिए तीन फंदे सीधे धागा आगे करेंगे ये जाली वाला भी उल्टा बनाएंगे दो का एक किया था जो उसे भी उल्टा बनाएंगे फिर धागा आगे दो फंदे सीधे फंदा निकल रहा है यहां से इसको देखिए एक दो दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे तो बैक रो तो हमारी सेम बनती जाएगी हर रो में ऐसे जो सीधा है सीधा ही आएगा दो उल्टे आएंगे चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए बैक रो हमने कंप्लीट कर ली है एक हमारा पैटर्न आ गया है इसमें अब यही पैटर्न देते हुए हम बाजू बना लेंगे लगभग दस से ग्यारह इंच बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाया है दोनों बाजू बनाने के बाद इनको कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी बाकी आपको ये चार रो का जो पैटर्न है वो सेम आपको बनाना है पहली रो में दो उल्टे धागा लपेट के दो का एक फंदे को पलटते हुए पहली रो ठीक है सेकेंड रो हमारी दो उल्टे दो सीधे आएगी थर्ड रो में क्या आएगा दो उल्टे दो का एक जिसमें हमको फंदा नहीं पलटना दो का एक करना है फिर धागा आगे करके लपेटना है फिर दो उल्टे बनाने और तीसरी रो हो गई चौथी रो हमारी उल्टी आएगी तो चार रो हमको बार बार रिपीट करते हुए ये पैटर्न कंप्लीट कर लेना है ठीक है तो ये देखिए ये जो हमने पैटर्न बनाया है ये मैंने इसमें भी दे दिया है फटाफट और दूसरे में भी एक सिर्फ पैटर्न का ही मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है वो भी दे दिया है तो इस पैटर्न को आप बना लीजिए चार रो का पैटर्न है बार बार रिपीट होते हुए आएगा तो बाजू बना लेते हैं हम लगभग दस से ग्यारह इंच दोनों बाजू बना लेते हैं ठीक है दोनों बाजू बनाने के बाद मैं बताती हूँ आपको नीचे हम कैसे बनाएंगे कैसे इसको एक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई है मैंने वीडियो बनाई थी पर एडिट करने में मुझे आगे की वीडियो नहीं मिल रही इसलिए मुझे ये वीडियो यहीं पर आपको समझाना पड़ेगा फटाफट यहाँ पे देखिए बाजू के मैंने एक पैटर्न दे दिया है इसी को आप बढ़ा लीजिए जितनी लंबाई आपको चाहिए ठीक है और फंदे भी आप पूरे के पूरे भी ले सकते हैं नीचे तक आप जहाँ पे हमारा वो आएगा बॉर्डर आएगा बाजू का वहाँ पे आपको थोड़े से फंदे घटा लेने हैं मतलब फोर्टी फोर्टी टू के आसपास आपको बॉर्डर में फंदे रख लेने हैं ठीक है और इसके बाद जो फ्रंट साइड का आपको नीडल में फंदे दिख रहे हैं इसको आगे को ले जाना है आपको बैक साइड बैक के जो फंदे हैं उसको बुनते हुए इसी नीडल में लेंगे आप जो आगे का दिख रहा है आपको इस साइड उसमें बुनते हुए बैक साइड के फंदे ले जाएंगे उसके बाद आ जाता है बाजू आप इसी तरह से जैसा पहला बाजू बनाए वैसे ही दूसरा बाजू भी बना लीजिए दोनों बाजू कंप्लीट होने के बाद फ्रंट का और बैक का जिस नीडल में आपने फंदे लिए थे उसी में आपको उस फ्रंट के भी फंदे बुन के ले लेने हैं और उसके बाद सारे तीनों ही पार्टरों को एक साथ बनाना है जितनी आपको लंबाई चाहिए तो इस तरह से हम ये स्वेटर कंप्लीट कर लेंगे अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप नीचे लिंक दे दूंगी या कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसे हम आगे को बनाएं तो और भी जो अप टू डाउन स्वेटर बनाएं वो भी इसी तरह से बनाएं बस इसमें जो फंदे आप उसी तरह से बनाइए और जो पैटर्न है उसी तरह से आप पैटर्न दीजिए ठीक है तो आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन होगी तो मैं हेल्प करने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी मैं इस तरह की जो मैंने अप टू डाउन स्वेटर बनाई है उनको देख करके आप बना लेंगे और फर्स्ट पार्ट इसका आएगा आपका जो पैटर्न दिया है उसका और सेकेंड पार्ट में ये कंप्लीट कर लिया है मैंने और कैप और सॉक्स की वीडियो नहीं अपलोड की हो क्योंकि सेम कैप और सेम कैप से, सेम सॉक्स से बूट मैंने अपलोड किए हुए हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा ठीक है तो ये तो हुआ मेजरमेंट के साथ इस स्वेटर को बनाने का तरीका और फिर से आपको एक बार सॉरी बोल रही हूँ बीच में से हमारी वीडियोज़ गायब हो गई मतलब डिलेट हो गई स्किप हो गई क्या हुआ मुझे नहीं पता तो आपको आर्म होल तक आप होता है ये वैसे भी एस, अप, अप टू डाउन जो स्वेटर होते हैं वो आर्म होल तक ही थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले होते हैं बाकी नीचे को तो आपको पता है दोनों बाजू निकलने के बाद हमको तीनों ही पार्ट एक साथ बनाने होते हैं और लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए आपको थोड़ा छोटा या लंबा बनाना है ठीक है तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करेंगे मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय